थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, असल में ये एजेंडा लाने का मकसद ये था, देखिए वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं खुद इसके हेल्थ मिनिस्टर है, इट मींस के बहुत ही अहम इशू भी और मिनिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे सर, ये हमारे मुस्तकबिल के जो नौजवान हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके लिए सवाल है। सर, इसका मकसद सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है ये सर, हम PMDC का मैं सिर्फ सवाल करना चाहती हूँ कि सर, मैं बात करने से पहले क्या मुझे सर लॉ मिनिस्टर साहब बताएंगे कि यहाँ PMDC से कोई आए हुए हैं सर गैलरीज में, या कहीं पर इनके साथ मीटिंग है, तो फिर मैं बात करना चाहती हूँ। जी, आए हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं उनके, PMDC के प्रेसिडेंट भी बैठे हैं सीनियर। जी, आप सवाल कीजिए जरताज साहब। जी आ जाते। जी जरताज साहब, सवाल कीजिए। आजम साहब ये सवाल कर लें पहले, फिर। जी जरताज साहब। जी ये स्पीकर साहब, मैंने ये इसलिए ये यंग डॉक्टर्स के कहने पे यहाँ पे हमने कॉलिंग अटेंशन डाली थी कि एक तो बिल्कुल ठीक है कि इनके एग्जाम का इशू है कि पूरे पाकिस्तान के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर, उनके लिए आपका 50% क्राइटेरिया है और दुनिया में भी, लेकिन जो बाहर से बच्चे स्टूडेंट पढ़ के आते हैं उनके लिए आपका 70% है। तो एक मुल्क में स्टूडेंट के लिए दो कानून ओवरसीज पाकिस्तानी या जो बाहर से पढ़ के आते नहीं हो सकते। सर, दूसरा मेरा ये है कि सर, मैं पंजाब की बात करना चाहती हूँ। सर, 2008 में MBBS और BDS के टोटल मिला के 4000 सीट्स हैं। अब सर, 2008 से लेकर आज 2024, 16 साल में आज भी पंजाब 4000 सीट के ऊपर खड़ा है, जबकि हमारी आबादी जो है वो 13 करोड़ तक चली गई है। प्लीज दरवाजा बंद करें, या शोर आ रहा है अंदर। जी, अब सर, यानी 16 साल में पंजाब में हमारी मेडिकल की सीट सिर्फ 4000 16 साल के अंदर उतनी की उतनी खड़ी है। अब सर, ये जो सूबे होते हैं इसमें मेडिकल जो सीट्स होती है या आबादी के लिहाज से नहीं होती, ये होती है कि आपके मेडिकल कॉलेज में आपके पास कितने बेड्स आपके पास अवेलेबल है। और सर, ये जो 4000 स्टूडेंट्स हमारे पढ़ के जाते हैं, ये MBS पढ़ के MBBS पढ़ के जाते हैं, सर इशू ये है कि इसमें सिर्फ 1800 जो है वो कंसल्टेंट बनते हैं, बाकी 18 - 4000 भी बाहर चले जाते हैं। अब सर, मेरा सर सिर्फ ये सवाल ये है कि हमारे पास ये 1200 स्टूडेंट बाहर से आए, एक तो सर हम इनका 2 साल के अंदर एक दफा एग्जाम दे रहे हैं, रेगुलेट करें कि 1 साल के अंदर इनका 2 दफा एग्जाम होना चाहिए, टॉर्चर से बचाना चाहिए। दूसरा सर, इनका क्राइटेरिया पाकिस्तानी स्टूडेंट के बराबर लाके 50% दे, इनको मकसद फेल करने का तो नहीं है। सर, तीसरा ये है कि जो हमारे ये जो डॉक्टर है 4000 है, ये मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, सर 16 साल में कोई सीटें तो बढ़ाएं, आखिर हमारे मुल्क के अंदर सीटें बढ़नी है कि नहीं से बढ़नी है? तो सर, ये मेडिकल कॉलेज में इजाफा होगा, बेड में इजाफा होगा, स्टूडेंट में इजाफा होगा, तो ही सर हमारे पास कोई डॉक्टर आएंगे। तो सर, मेरा सिर्फ इनसे ये सवाल है कि काइंडली इसको जी माइक खोलो, कि 1 साल में डेट होना चाहिए, इनका क्राइटेरिया 50% पे करें ताकि हमारे डॉक्टर साहिबान जो वो यंग वो पास हो सके। और सर, तीसरा लास्ट मेरा सवाल है सर, तीसरा सर सजेशन है, सवाल नहीं है, सजेशन है। आज जो हमने ये है ना, आज हमने विमेन एम्पावरमेंट की बात की तो उन्होंने एक सांस में 4 सवाल कर लिए। सर, मैं सजेशन दे रही थी, मैं सवाल नहीं कर रही। सर, मैं सजेशन दे रही थी, सर हमारे बच्चे जो बाहर से पढ़ते हैं वो माइग्रेट होके वापस पाकिस्तान आते हैं, जब वो पाकिस्तान आते हैं तो सर 2-2 साल उनके जाया हो जाते हैं। तो सर, वो हमारी जो बच्चियां या जो बच्चे बाहर पढ़ के जाते हैं तो सर असूली तौर पर पाकिस्तान से कम स्टैंडर्ड के ऊपर किर्गिस्तान, ईरान, चाइना ये पढ़ने जाते हैं। सर, इसको कोई तरीका तो करे कि उनको कोई इनकी अटेंशन खत्म करके इनको डॉक्टर करके यहाँ पे रेगुलेट किया जाए। शुक्रिया जी, आप भी एक सांस में जवाब दीजिएगा।